तो आज से स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेटा आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में एक बात पता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब होता है वेव का आपस में मिलना। अब आपस में मिलने का मतलब समझिएगा, मान लीजिए कि आपके पास एक वेव दे दी गई कि ये हमारे पास एक वेव है जो इस ऑर्डर में है और एक आपके पास स्मॉलर थोड़ा सा छोटे वेव लेंथ की इसका एम्पलीट्यूड कुछ कम है। तो अगर हम बेटा इन दोनों वेव को मिला दें तो आपके पास रिजल्टेंट कुछ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। या हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इन दोनों वेव को मिलाने से न्यूट्रल हो जाए। जैसे मान लो ये आपके पास वेव है और ये वेव इस तरीके से चल रहा है, ठीक। इसको बेटा मैंने इस बेस के साथ कुछ इस तरीके से मिला दिया, तो क्या जरा देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो ओवरऑल जब नई वेव बनाएगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे एक दूसरे को। भाई ये प्लस है ये माइनस है, यहां माइनस है ये प्लस है, तो बेटा इसको एम्पलीट्यूड प्लस ए कहोगे, इसको एम्पलीट्यूड माइनस ए कहोगे, यहां पर एम्पलीट्यूड माइनस ए है और यहां का एम्पलीट्यूड प्लस ए है, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करके ये सिचुएशन बनाएंगे। तो आपके पास एक रिजल्ट मिल रहा है, आपके पास एक रिजल्ट ये आ रहा है कि अगर हम दो वेव ले लें और दोनों वेव को क्या करें एक सेम फ्रिक्वेंसी की, जरा बात को ध्यान रखिएगा, सेम फ्रिक्वेंसी। मैंने क्यों कहा सेम फ्रिक्वेंसी, अब इसको मतलब समझाएंगे। हम दो वेव ले लें एक जैसी फ्रिक्वेंसी की और एक डायरेक्शन में चलाएं, तो कह रहे वो एक डायरेक्शन में चलेंगी तो उनके सुपर पोजिशन से, उनके आपस में मिल जाने से जो नई वेव बनाएगा उसके मीडियम के पार्टिकल का या तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और या तो बेटा मिनिमम होगा। तो जहां मैक्सिमम होता है उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं और जहां पर मिनिमम होता है उसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। अब हमारे पास एक समस्या है कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब वेव का आपस में मिल जाना। अब समस्या यह है क्योंकि थ्योरी कहती है इट हैव टू कोहेरेंट सोर्स, तो पहले हम ये जान लें कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से एक्स वन डिस्टेंस पर यहां से और यहां पर एक्स टू डिस्टेंस पर, मान लो ए से एक्स वन पर पी है और बी से एक्स टू पर पी है। तो बच्चा अगर हम एक्स वन पे एक्स वन पाथ के लिए इक्वेशन बनाए तो वाई वन इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फेज है, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बेटा के एक्स प्लस के एक्स। यहां का पाथ डिफरेंस हमने कितना माना के एक्स वन, तो बताओ यहां वाई टू क्या बनेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, ठीक है। क्या बच्चा बताओ, ये बच्चा फाइव वन था बेटा, ये कितना है फाइव टू। अगर बच्चा हम फाइव टू माइनस फाइव वन कर लें, फाइव टू माइनस फाइव वन, तो बेटा फाइव टू माइनस फाइव वन करो तो ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन ओमेगा टी से कैंसिल हो गया। तो बताओ बेटा यहां कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको के कॉमन दिख रहा है एक्स टू माइनस एक्स वन, यहां मिला बेटा डेल्टा फाइव, और तो डेल्टा फाई इक्वल किसके मिल गया के डेल्टा एक्स के, डेल्टा फाई किसके मिल गया के डेल्टा एक्स से। इसी को हम लोग फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन कहते हैं, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर बच्चा हम इसी बात को ये कहते कि ओमेगा फ्रिक्वेंसी सेम ना रखते, तो अगर हमने ओमेगा को सेम रखा दैट इज द मेन कंडीशन ऑफ कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स है जो किसी भी पैरेंट सोर्स से बाहर आए तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। या फिर सेकेंड थिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो होने चाहिए। इनका फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? जीरो। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम। तो बेटा यहां पर हमने टाइम का रेस्पेक्ट नहीं लिया, पाथ का रेस्पेक्ट लिया, तो हमको रिलेशन मिला के डेल्टा एक्स। ओमेगा सेम, तो कौन सा सोर्स बेटा? कोहेरेंट सोर्स। कौन सा सोर्स? याद रखिए ओमेगा सेम, उस सोर्स को क्या कहते हैं? किसी पेरेंट सोर्स से 10 वेव्स पास हो जाएं, तो उनका यदि फेज डिफरेंस जीरो हो, यदि फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, यदि ओमेगा सेम हो, तो वो सारे होते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो कौन से होते हैं? कोहेरेंट सोर्स। अब थोड़ा देखो, अगर मैं यहां टाइम ओमेगा का रेस्पेक्ट चेंज करता, तो बेटा थोड़ा सोचो, अगर हम यहां ओमेगा 1t कर देते और kx कर देते, मान लो यहां पाथ सेम रखते, सपोज दैट पॉइंट p जो बेटा a से कितनी डिस्टेंस पर? x पर, और बेटा b से भी कितनी डिस्टेंस पर? x पर। तो बेटा y1 हम क्या बनाते? a sin ओमेगा 1t, फ्रीक्वेंसी बदल दी हमने, प्लस का बेटा kx। तो y2 क्या मिलता? a sin ओमेगा 2t प्लस बेटा kx, ये फेज phi1, ये फेज phi2, डेल्टा phi निकालते, तो बच्चा kx से kx तो कैंसिल हो जाता, और यहां पर बन के आता t कॉमन करके ओमेगा 2 माइनस ओमेगा। तो बेटा हम क्या लिखते? t डेल्टा ओमेगा लिखते, हम लिखते t डेल्टा ओमेगा। क्या बच्चा यहां पर फेज डिफरेंस डिपेंडेंट हो गया टाइम पर? अगर टाइम पर डिपेंडेंट हो गया तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, तो इट कांट ओबे कोहेरेंट सोर्स, वो कोहेरेंट सोर्स का ओबे नहीं करेगा। अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो इट कांट बी क्रिएट इंटरफेरेंस, वो इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि कोहेरेंट सोर्स दैट सोर्स विच हैव सिमिलर फ्रीक्वेंसी, जो कैसी हो? सिमिलर फ्रीक्वेंसी हो। या सेकंड थिंग, किसी पेरेंट सोर्स से 10 वेव, 15 वेव, इनफिनिटी वेव्स निकल जाएं, और उनका सबका फेज डिफरेंस या तो जीरो हो, और या तो कांस्टेंट हो, या उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो वो सारे सोर्स कैसे होते हैं बच्चा? कोहेरेंट सोर्स होते हैं। ठीक, ये था कंफर्म कि कोहेरेंट सोर्स क्या है, और ये रिलेशन फेज डिफरेंस का पाथ डिफरेंस है। अब हम आगे बात करें कि मान लो आपके पास ये बात पता चली कि एम्पलीट्यूड डायरेक्शन सेम, दो वेव सेम चल रही हैं, एक थोड़ा कम एम्पलीट्यूड, एक थोड़ा ज्यादा एम्पलीट्यूड। जब ये सुपर पोजिशन बनाएंगी तो एक नई बना देंगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाते हैं बच्चा, सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाते हैं। लेकिन और ऐसे ही एक अपवर्ड से स्टार्ट करें और सेकेंड डाउनवर्ड से, तो सबका एम्पलीट्यूड एक दूसरे को क्या करता रहेगा? कैंसिल कर देगा। तो यहां पर तो बेचारा जो वेव बनी आपकी, जो भी बनी हो, उसका तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो गया, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो गया तो बनाया तो इंटरफेरेंस, लेकिन इसका स्पेशल नाम पड़ जाता है क्या? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब फिर बात सुनिए, व्हेन टू वेव्स, या टू वेव्स की जगह इस टू वेव्स को वर्ड हटा दीजिए, बोल दीजिए व्हेन टू कोहेरेंट सोर्स, व्हेन टू कोहेरेंट सोर्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू सुपरपोजिशन, फाइंड अ न्यू वेव वेयर मीडियम पार्टिकल हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम, मिनिमम इट मे बी जीरो, वेयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेयर मिनिमम और जीरो इट इज नोन एज destructive interference, और that pattern, that phenomena is called interference of wave. इसको क्या कहते हैं? Interference of wave. दो wave मिलकर या तो third बना देंगी, या तो दो wave मिलकर एक दूसरे को cancel कर देंगी। तो बना देंगी नहीं तो displacement ज्यादा होगा, और cancel कर देंगी तो displacement zero भी हो सकता है। तो उसको क्या बोल देते हैं? एक को मैक्सिमम में कंस्ट्रक्टिव और मिनिमम में डिस्ट्रक्टिव, और दिस इज द रिलेशन। पहले इतना नोट करें। अब देखिए हमारे पास दो वेव हैं, उसके एम्पलीट्यूड ए वन और ए टू लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वेव वाई वन इक्वल ए वन साइन ओमेगा टी, ठीक है। सेकंड वेव बेटा हमारे पास वाई टू
ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ा सा मैंने फेज दे दिया क्योंकि एंगल, सपोज दैट फिगर भी देख लो, आपके पास ये वेव है। अब सुपर इम्पोज कराने का दो तरीके हैं आपके पास, या तो फेज कम कर लो या तो ज्यादा कर लो। तो अगर हम फेज को थोड़ा ज्यादा कर लें तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है इसी को फेज फाइव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, सुपर पोजिशन क्या रूल है बेटा, हम सुपर पोजिशन का रूल लगा रहे हैं। सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन जस्ट लाइक अ वेक्टर सम, वेक्टर वाई इक्वल वेक्टर वाई वन प्लस वेक्टर वाई टू। ठीक है, अब देखिए बच्चा, ए वन साइन ओमेगा टी, ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरे को देखिए, ए टू साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या बनेगा बच्चा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक बात, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, फिर बेटा प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, जरा देखो, ए वन साइन ओमेगा टी और ए टू साइन ओमेगा टी में शायद साइन ओमेगा टी आपको कॉमन दिख रहा है, तो बेटा हमने यहां से साइन ओमेगा टी को कॉमन कर लिया और बेटा बचा कितना, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। बोलो इतनी बात सही है बेटा, यहां पर क्या लिखा है, ए टू साइन फाइव और कॉस ओमेगा टी, साइन फाइव को पहले लिख दिया, कॉस ओमेगा टी को बाद में लिख दिया। ऐसा क्यों किया अब इसको बताते हैं बेटा, इस ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को ध्यान सुनिएगा, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को बच्चा कहते हैं कॉन्स्टेंट ए कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट ए। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, किस वेव का, रिजल्टेंट वेव का, और ए वन फर्स्ट वेव का और ए टू सेकेंड वेव का। इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा ए टू साइन फाइव को, ए टू साइन फाइव को कहते हैं ए साइन थीटा, ए टू साइन फाइव को बेटा कहते हैं ए साइन थीटा, ये लेट सेकेंड। ये दोनों आपको कॉन्स्टेंट याद करने पड़ेंगे, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को ए कॉस थीटा कहते हैं और ए टू साइन फाइव को बेटा ए साइन थीटा कहते हैं। बच्चा हम एक काम करें, फर्स्ट का स्क्वायर कर लें और प्लस बच्चा सेकेंड का स्क्वायर कर लें, फर्स्ट के स्क्वायर में सेकेंड के स्क्वायर को ऐड कर लें। जरा कैमरा मैन देख लें, यहां दिख रहा है, ठीक, तो फर्स्ट के स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर करके ऐड कर लें बेटा। स्क्वायर करें, ए वन स्क्वायर बेटा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए बी, टू ए बी, तो प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। बोलो इतनी बात सही, वो उधर वाले टर्म को बाद में, पहले ऐड कर ले एलएचएस एलएचएस आरएचएस, तो प्लस बेटा प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये था एलएचएस। अब आरएचएस करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन कर लो और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है, तो बताओ इधर क्या बचा, क्या देखो, इन दोनों में ए टू स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू बेटा वन होती है, तो बताओ रिजल्टेंट क्या मिला, ए स्क्वायर इक्वल ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। कितनी बात सही है, क्या आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ए इक्वल अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ये बेटा हमको पहली इक्वेशन मिल गई, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट है तो छोटा सा चाहो तो आर लगा लो, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब जरा थोड़ा और दिमाग लगाना बच्चा, क्लास इलेवेंथ वेव ऑसिलेशन के चैप्टर में इंटेंसिटी ऑफ वेव, किसकी बेटा, इंटेंसिटी
ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। किसके साथ बच्चा? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जानते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो क्या मैं बच्चों कह सकता हूं आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, आई प्रोपोर्शनल। तो बताओ अगर आपके पास दो वेव होती तो आई वन अपान आई टू इक्वल ए वन स्क्वायर अपान बच्चा ए टू स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो आपको मिल गया कि आई वन अपान आई टू बेटा किसके इक्वल है, ए वन स्क्वायर अपान ए टू स्क्वायर। थोड़ा सा जरा फॉर्मूला फर्स्ट को, फर्स्ट मैं सेकंड रीड कर चुका हूं सॉरी, तो मैं इसको मान लेता हूं थर्ड। जरा एक क्वेश्चन थर्ड को एक बार देखिए बच्चा, ये रिजल्टेंट है ना, इधर अंडर रूट हटाओ तो बेटा इधर स्क्वायर लगाओगे तो क्या ए स्क्वायर बनेगा ना, तो ए स्क्वायर को मैं आई कह सकता हूं। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी भी रिजल्टेंट ही तो होगी, तो क्या मैं आई आर कह सकता हूं। इक्वेशन नंबर थर्ड से आई आर किसके इक्वल बेटा, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। बेटा रिजल्टेंट आई आर कितना मिला, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। अब जरा और देखिए का बात को आगे बढ़ेंगे, ये फॉर्मूला हमको मिला, इसी फॉर्मूले से ये मिल गया, और इस फॉर्मूले कहां से लाए, यहां से लाए। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, हमने आपसे कहा कि आपको दो चीजें मिली हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिले रिजल्टेंट वेव का तो कंस्ट्रक्टिव, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिले तो वो डिस्ट्रक्टिव। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को इसमें बदल सकता हूं, चेंज कर सकता हूं? ठीक, तो पहले इतना कर ले, देखिए अब आपके पास दो चीजें हैं, दो इंटरफेरेंस, तो दोनों इंटरफेरेंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके था पास था बेटा कंस्ट्रक्टिव, तुम पहले पूरी बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव की, ठीक है बेटा? बताइए कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम था, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो और डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड भी क्या हो, मैक्सिमम। तो बताओ अगर मैक्सिमम है तो बेटा कॉस फाइव, जो फेज डिफरेंस है कॉस फाइव वो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो आपने इक्वेशन लिखी ए आर इक्वल अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। बेटा कॉस फाइव वन, तो क्या ये आपके पास ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर है, अंडर रूट भी लगा दो तो भैया ए आर मिल गया ए वन प्लस ए टू। पहली बात आपको एक बात मिल गई कि अगर दो वेव कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना में है तो उनका एम्पलीट्यूड आप ऐड कर लीजिए, रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी को इंटेंसिटी के फॉर्म में लाइए, तो आई आर क्या फॉर्मूला, इधर से अंडर रूट हटाओ इधर स्क्वायर लगाओ तो आई आर बन गया। तो बताओ क्या लिखा इधर, ए वन ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव बेटा वन, तो ये बन गया ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। ये बेटा मिल गया आई आर, किसका मिल गया, कंस्ट्रक्टिव का। किसका मिल गया बेटा, कंस्ट्रक्टिव का। आप इंटेंसिटी के टर्म में चाहते हैं तो लिख सकते हैं अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, ठीक बात। ये बेटा हमको आई आर मिल गया। अब मेन बात, दूसरी बात, कॉस फाइव कितना है, वन है। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, हमारे पास बेटा दो बातें हैं, हमको फेज डिफरेंस चाहिए। तो अगर आपको फेज डिफरेंस चाहिए तो जरा एक बात सोचिए कि जो कॉस फाइव वो वन, बहुत ध्यान से मैं कंस्ट्रक्टिव को कंटिन्यू इधर कर रहा हूं, इधर कॉस फाइव कितना है बच्चा, वन। थोड़ी लैंग्वेज उर्दू वाली है, समझ जाइएगा, कॉस फाइव बेटा वन। बताओ फाइव में वन कब कब होता है, कॉस में वन कब होता है, जीरो डिग्री, ठीक। नब्बे में जीरो होता है, नहीं होता है। 180 में माइनस वन होता है, नहीं बात बनी क्योंकि माइनस वन है, हमको प्लस वन चाहिए। तो क्या 217 होता है,
नहीं होता, 270 में जीरो होता है, 360 में होता है। ऑर्डर समझना, ऑर्डर को समझना। कॉस 5 1, तो बेटा कॉस 5 में 1 कब कब मिल रहा है, जब जब 5 इक्वल या तो क्या था पाई हो, पाई ना मानो, कुछ इसको टर्म में बदल देते हैं, ज्यादा सरल रहेगा आपके लिए, इसको टर्म में चेंज कर लो। कॉस 5 1, तो 5 में 1 कब, 0 डिग्री, 360, तो 360 के बाद कितना होगा, कितना होगा, 0 पे है, 360 पे है, तो 720 पर होगा, बीच में नहीं होगा, आप करके देख लीजिए। तो 5 इक्वल, क्या ये आपको ऐसा ऑर्डर नहीं लग रहा है कि मैं इसको लिख दूं 2n π, और ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा 5 को 2n π, और बेटा बेटा n को बच्चा स्टार्ट किया 0 से, 1 से, 2 से, बेटा n की जगह 0, 5 0 डिग्री 1 होता है, बिल्कुल सही, 1 रखो, 2 1 2 2 π, बिल्कुल सही, 360, 2 रखो, 2 2 4 4 π, 4 × 180 720, बिल्कुल सही, मतलब 5 मिल गया हमको, 5 कितना 2n π, बोलो इतनी बात सही। तो क्या बच्चे याद है, हम लोग 5 को kx कहते थे, 5 को kx कहते थे, बेटा 5 कितना 2n π, क्या n और π एक जैसे लग रहे हैं, जरा समझ लीजिएगा, ऐसा तो नहीं फील हो रहा है एक जैसे हैं, बेटा k को क्या कहते हैं, 2π/λ इनटू, बेटा पाई से पाई कैंसिल, बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चा आपके सामने मिला कि x=nλ, x=, तो क्या आपको सबसे अच्छा रिलेशन मिल गया जो याद करना बहुत जरूरी है, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव का कितना होता है nλ, फेज एंगल कंस्ट्रक्टिव का कितना होता है 2n π, जहां n किससे स्टार्ट, 0 1 2 3, इतनी बात कंफर्म है बेटा, n की जगह 1 रखो, 1λ 2λ 3λ, ये ऑर्डर हो गया। अब हम बात करें किसकी, डिस्ट्रक्टिव की, सारे फॉर्मूले हो गए, एम्पलीट्यूड हो गया रिजल्टेंट का, इंटेंसिटी हो गई रिजल्टेंट की, बेटा हमारे पास फेज एंगल हो गया, और बेटा पाथ डिफरेंस भी मिल गया, पाथ डिफरेंस। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव की, तो डिस्ट्रक्टिव को सॉल्व करते हैं। सेकंड थिंग, डिस्ट्रक्टिव, जरा बताइए, डिस्ट्रक्टिव में आपने कहा मिनिमम, मिनिमम क्या बच्चा, कॉस 5 मिनिमम माइनस 1, कॉस 5 मिनिमम माइनस 1, दिमाग लगाना, आपको माइनस 1 कहां मिलेगा, 180, कॉस 180, ठीक, 180 के बाद 270 पे नहीं मिलेगा, 360 पे नहीं मिलेगा, 450 में भी नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, 540 पर। इसका मतलब क्या, ऐसा कुछ नहीं है कि cos 5 माइनस 1 है तो 5 की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है, और क्या है 540 है, और क्या हो सकता है, ऐसे तीन गुने ऑर्डर में बढ़ रहा है भाई, 180 में 540 तीन गुना हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, अब देखो सेट करना है, सेट सबसे मेन चीज सेट करना, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2n − 1 π/2, जरा n को 1 रखिए, n को 1 रखने में मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिल रहा है, अब तो मिल रहा है, n को 1 रखिए, 2 1 2 − 1 1 π, ठीक, 0 मत रखना, −1π आ जाएगा, −π, और cos 180 माइनस 1 होता है, −−+1 हो जाएगा, तो ये बना देगा, इसलिए n कहां से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा, कहां से स्टार्ट, 1 से, 2 से, 3 से, एक बार रख के चेक भी कर लीजिए आप,
टू रखिए, टू टू जा फोर माइनस वन थ्री पाई, थ्री पाई मतलब 540। एक फिनोमिना ये आपको सेट करना आना चाहिए। अब देखिए फाई मिल गया, ठीक है। अब हम एक काम करें, फाई किसके इक्वल बेटा, के एक्स, बोलो फाई कितना 2n माइनस वन पाई, और के कितना 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, पाई से पाई कैंसिल। बेटा हमको x चाहिए, लेमडा 2n माइनस वन बाई लेमडा चाहिए, x चाहिए, लेमडा ऊपर चला गया, ये फाइव। जरा जरा एक बात बताओ, अगर हम n वन रख लें, वन रख लें, टू रख लें, थ्री, जीरो तो रख ही नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते आप, समझ गए, तो n जीरो तो कर ही नहीं सकते। वन करिए तो टू वन या टू माइनस वन, तो एक्स कितना लैम्डा बाई टू, टू रखिए टू टू जा फोर माइनस वन, थ्री रखिए थ्री टू जा सिक्स माइनस वन, ये ऑर्डर यहां मिल रहा है। और यहां पर भैया सीधा सीधा मिल रहा था, जीरो रखने पर जीरो, वन रखने पर लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, ऐसे बढ़ रहा था मल्टीपल में, और यहां पर फ्रैक्शनल डिजिट आ गई, लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू। बोलिए इतनी बात कंफर्म है, क्या कैमरामैन यहां दिख रहा है, ठीक। ये हमको मिल गया बेटा फेज डिफरेंस पाथ। अब ये फॉर्मूले आ जाइए बेटा, बताइए कॉस फाइव माइनस वन रखेंगे तो क्या ये आपको ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर मिलेगा, होल स्क्वायर से बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बताओ ए आर कितना मिला, ए आर कितना मिला, शाबाश, ए वन माइनस, बोलो इतनी बात सही, ये बेटा ए आर मिला। बच्चों आई आर पे आ जाओ, आई आर पे बच्चा यहां कितना रखोगे, यहां पे फॉर्मूले में रखोगे माइनस वन, तो यहां क्या बना देगा, ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, तो बच्चा यहां हो गया ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। बेटा यहां पे कोई फायदा नहीं है, यहां माइनस लगा दोगे तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में कम आता है, जो ज्यादा आता है उसकी बात। तो बताओ रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड ए वन माइनस ए टू कौन सा, डिस्ट्रक्टिव, और बताओ इंटेंसिटी बेटा ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। तो क्या मैं बेटा ऐसा नहीं कह सकता था, इस वाली रिजल्टेंट वेव को क्या मैं आई मैक्स नहीं कह सकता हूं, तो आई मैक्स कितना है ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, क्या मैं बच्चों इसको आई मिनिमम नहीं कह सकता, तो आई मिनिमम कितना बेटा ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। बोलिए इतनी बात कंफर्म है, इसमें किसी को समस्या बेटा, फेज अगर आपने ये नहीं तैयार किया तो जो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो कोई भी प्रूविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह पाथ डिफरेंस उसको चाहिए। और फिर आप क्या रखेंगे, तो कंस्ट्रक्टिव का पाथ एन लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव का पाथ टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट होता है वन टू थ्री से और कंस्ट्रक्टिव स्टार्ट होता है जीरो वन टू थ्री से, इतना नोट कर लेंगे।